उड़ीसा की तरह अब कानपुर में भी दिल दहला देने वाला एक वाकया सामने आया है। यहाँ पर बेटी की बीमारी और पिता की लाचारी अस्पताल परिसर में ही दम तोड़ गई। जी हाँ, बीमार बेटे को कंधे पर गमछे की तरह रख कर लाचार पिता कभी डॉक्टरों की तलाश में तो कभी स्ट्रेचर की तलाश में घूमता रहा, लेकिन पिता की लाख कोशिशों के बाद भी ना तो डॉक्टर मिला और ना ही इलाज और ना ही स्ट्रेचर। आखिर जिंदगी से हार कर बेटे ने पिता के कंधों पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद पिता के आंसुओं से अस्पताल में मानो सैलाब आ गया। दरअसल फजलगंज के रहने वाले सुनील के बेटे का बदन बुखार से तप रहा था। अस्पताल ले जाने के बाद पिता ने समाजवादी एम्बुलेंस को बुलाना चाहा, लेकिन वो वहां पर नहीं मिल सकी। अस्पताल पहुंचाया तो स्ट्रेचर नहीं मिला और कंधे पर लाद कर डॉक्टरों को ढूंढने लगा तो डॉक्टर्स ही नहीं मिले। आखिर इस मासूम बच्चे ने तड़प तड़प कर पिता के कंधों पर ही अपना दम तोड़ दिया। आपको हम बताना चाहेंगे, मृतक अंश सिर्फ 12 साल का था और अभी छठी क्लास में ही पढ़ रहा था, और आप देखिए किस तरह से उसके पिता उसे कंधे पर लेकर घूम रहे थे। पहले दर दर की ठोकरें खाएं कि शायद डॉक्टर मिल जाए, उससे पहले एम्बुलेंस की उन्हें इंतज़ार था, और जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो इसी तरह से वो अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुँचे तो वहाँ स्ट्रेचर नहीं मिला और उसके बाद डॉक्टर नहीं मिला। ये कानपुर की घटना है जिसने वाकई में दिल दहला कर रख दिया है। रात को अचानक बुखार आ रहा, बुखार परसों था, मैं दवाई लेके आया था कल भी। अच्छा, आज भी। क्या नाम है सर? अंश। सनील को घर में, घर का नाम है सनील, घर का स्कूल का नाम अंश। अच्छा, किस क्लास में पढ़ता था ये सर? सिक्स में था, पढ़ने में भी था। कहाँ से लेकर आए? फजलगंज। फजलगंज सर, मरियमपुर के सामने। अच्छा अच्छा